नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 25 तारीख को नई सरकार बन जाएगी, ये बात अब पूरा यूपी और पूरा देश जान चुका है। 25 तारीख को जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो कई चुनौतियां उनके सामने होंगी, क्योंकि अब जनता जनार्दन ने जनमत के माध्यम से यह फैसला कर दिया है कि विकास पुरुष योगी आदित्यनाथ को सचमुच में अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना ही होगा, क्योंकि काम के आधार पर ही जब उन्होंने जनता से उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद मांगा तो योगी आदित्यनाथ को मिला। ऐसे में जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, उसके बाद किन लोगों के साथ अर्थात उनके कैबिनेट या राज्य मंत्री कौन कौन से होंगे जिनको साथ लेकर के अपने नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। बड़ा सवाल है कि आखिर में उनके मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा। इसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के तमाम न्यूज चैनल्स पर सारी जानकारियां हैं। स्पेकुलेशन के आधार पर हर एक व्यक्ति या हर एक संगठन या यूं कहें हर एक चैनल अपने हिसाब से ये दावा कर रहा है कि ये मुख्यमंत्री माफ करिएगा ये मंत्री बनेंगे। मंत्री कौन बनेगा ये मुख्यमंत्री का अपना स्वविवेक है, संगठन का उसमें कोई अनुरोध है या उसका कोई सलाह है, उसके सलाह के आधार पर मुख्यमंत्री ये तय करेंगे। और साथ ही साथ आला कमान का भी उसमें योगदान है, उनका भी राय मशवरा होगा। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ आखिर में वो कौन से लोग शामिल करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं। हो सकता है उनका अनुभव कम हो लेकिन उनका काम करने का तौर तरीका, उनके प्रशासनिक, उनके तर्क बुद्धि, उनकी क्षमता ज्यादा हो और योगी आदित्यनाथ ने उनको परखा हो और पहली बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। आपको यह भी लग रहा होगा कि आखिर में उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दो निवर्तमान उप मुख्यमंत्री में कौन उप मुख्यमंत्री फिर से बनेगा या इन दोनों में कोई शामिल नहीं होगा। ये सारी बातें, इन सारी बातों पर चर्चा प्रतिदिन हो रही है और 25 तारीख के शाम के समय तक जब वो मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे होंगे उसके पहले तक होती रहेगी। लेकिन एवी स्टार न्यूज को भी कुछ जानकारी मिली है। हम तर्क और अनुभव के आधार पर ये बात कह सकते हैं कि जो जानकारी हमें मिली है उसमें से ज्यादातर लोग मंत्रिमंडल के पार्ट होंगे। बड़ी बात है कि उस मंत्रिमंडल का जो चेहरा होगा वो ना तो जंबो होगा और ना इतना छोटा होगा। ये एक बीच का रास्ता अख्तियार करेंगे योगी आदित्यनाथ, जो संगठन और आला कमान की सलाह से उन्होंने तय किया है, इतनी जानकारी हमें मिल चुकी है। ऐसे में 57 लोगों का या एक जंबो मंत्रिमंडल होगा, इस बात से फिलहाल हम सहमत नहीं हैं क्योंकि ये जानकारी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हो भी सकता है इसके अतिरिक्त 35 से 40 मंत्रियों की भी बात की जा रही है। हमारे अनुमान के मुताबिक इनमें से बीच का एक रास्ता अख्तियार किया जाएगा और उसमें प्राथमिक तौर पर जाति फैक्टर, विकास, अनुभव, प्रशासनिक क्षमता और संगठन के प्रति जिन नेताओं का योगदान रहा उसको साधने की कोशिश की जाएगी। इस संबंध में हमें जो सूची मिली हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनुप शुक्ला जुड़ रहे हैं जिनके पास वो तमाम जानकारियां हैं। हम लोगों ने साझा की, इस पर मंथन किया और मंथन करने के बाद हम आपके सामने ये खबर लेकर के हाजिर हुए हैं। फिलहाल अनूप जी, अब इंतजार है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने का और साथ ही साथ उनके मंत्रिमंडल के उन चेहरों के बारे में जानकारी या उस पर डिस्कस करने का। क्या कुछ नई ऐसी जानकारी है जो एवी स्टार न्यूज देने जा रहा है फिलहाल, जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई है? अनूप जी, दरअसल देखिए 25 को जैसे कि आपने बताया कि शपथ है, योगी मंत्रिमंडल योगी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। 25 तारीख की उनकी तैयारी शुरू हो गई है, कान्हा स्टेडियम में होना है। 23 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं लखनऊ में, उनके साथ बैठक होगी, सारी चर्चाएं होंगी यहाँ पर और साथ में विधायक दल का नेता, जाहिर सी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना जाएगा।
फिर राज्यपाल महोदया के पास जाकर विधायक सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद 25 तारीख को जैसे कि पता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है या यूं कहें कि सीएम जो भी शपथ लेंगे तो कुछ जैसे कहा 11 मंत्री लगभग हार चुके हैं इस चुनाव में जो सीएम योगी के जो पहले आगे कार्यकाल के थे तो जाहिर सी बात नए चेहरे इसमें ज्यादा शामिल हो गए। आपने भी जैसे इस बात को कहा नए चेहरे युवा चेहरे ज्यादा शामिल किए जाएंगे लेकिन खास तौर से जो संकर यहाँ जिसे कहा गया है कि पूरे किए जाएंगे वो जातिगत संकर को पूरा पूरा ध्यान में रखकर सारा काम किया जाए। जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्रिमंडल जातिगत संकर को बिल्कुल बैठाते हुए ठीक करते हुए बना हुआ है ठीक उसी की तर्ज पर यूपी का ये मंत्रिमंडल भी बनेगा क्योंकि 2024 सामने है लोकसभा चुनाव जो है वो सामने है तो 2024 की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जैसे पिछली बार 2 डिप्टी सीएम थे तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम की संख्या एक बढ़ा दी जाए और कुछ जैसे एक अभी बड़ा एक नाम से खासा चर्चा चल रहा है देवी रानी मौर्या का जो खासा चर्चा चल रहा है साथ में जो अपने जो न्याय मंत्री रहे हैं ब्रजेश पाठक जी वो भी डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य के लिए अभी जिसे कहा जाए खबर आ रही उनका पद यथोचित जैसे पहले था वैसा बना रहेगा ये अभी देखने वाली बात लेकिन खबरें यही आ रही है। लेकिन आपने केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया हम उन पर चर्चा करेंगे लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि उत्तराखंड के नए सीएम होंगे सीएम धामी। निवर्तमान सीएम सीएम धामी ही उत्तराखंड के नए सीएम होंगे हालांकि वो विधानसभा चुनाव में हार गए थे। बावजूद इसके आलाकमान संगठन ने उन पर पूरा भरोसा जताया है सीएम धामी निवर्तमान सीएम धामी ही अगले सीएम होने जा रहे हैं उत्तराखंड की। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड में धामी ही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं उत्तराखंड के। हमने इस बड़ी खबर की चर्चा इसलिए आपसे की अनूप क्योंकि सीएम धामी चुनाव हार गए थे ये किसी से छिपा नहीं है लेकिन एक मैसिव एक प्रचंड बहुमत उनके नेतृत्व में भाजपा को मिला और शुरू से हम लोग ये कहते रहे कि धामी के अतिरिक्त कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये एक अनुभव और विश्लेषण के आधार पर हम इस बात की बराबर चर्चा करते रहे। अब सवाल यह है कि जाति फैक्टर को अगर देखा जाए पार्टी में एक मैनेजमेंट की भूमिका एक मैनेजर की भूमिका जहां तक प्रदेश स्तर की बात की जाए उसमें निवर्तमान उप मुख्यमंत्री की अगर चर्चा हम करते हैं हालांकि वो सिराथू से चुनाव हार गए हैं और ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं कि वो एक बार फिर न सिर्फ मंत्रिमंडल में लिए जाएंगे बल्कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं की चर्चा करने जा रहे थे इसी वक्त मैंने ये बड़ी खबर दी कि धामी हारे हुए सीएम थे व्यक्तिगत तौर पर लेकिन वो सीएम बनाए गए। क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिर बनाए जा रहे हैं क्या? खबर अभी तक तो संकर निकल रही है बिल्कुल यही है कि केशव प्रसाद मौर्य का हारने के बावजूद उनका पद बरकरार रखा जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव मैंने पहले का लोकसभा का देखा जा रहा है और इस समय जो मौर्य समाज चाहे जो आप जैसे पिछड़ों को नेता का दलितों का नेता कहा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का एक स्थान इस समय काफी ऊंचा है। इस समय उनका पार्टी में कद ऊंचा है हालांकि वो अपनी प्रयागराज में सारी सीटें हार गए खुद अपना भी चुनाव हार गए वो सीट हार गए लेकिन बावजूद उसके केशव प्रसाद मौर्य का कद नीचा नहीं किया जाएगा कद वही बरकरार रखा जाएगा जो अभी तक खबरें निकल कर आ रही है। आपको एक जानकारी दे दूं हमारे एक सहयोगी ने हमको जानकारी दी कि इलाहाबाद मंडल में और उस परिक्षेत्र में एक चर्चा है कि सिराथू वो इसलिए हारे क्योंकि सिराथू में वो समय नहीं दे सके। एक खबर के मुताबिक संगठन भी उनको प्रमोट करने के प्रति पूरी तरह से समर्पित सा दिखता है। केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं आलाकमान और संगठन दोनों के लिए एक चहेते से बन गए हैं ये उनके अपने मैनेजमेंट की भूमिका हो सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि योगी आदित्यनाथ के पास अभी विकल्प है कि केशव प्रसाद मौर्य के बगैर भी वो मंत्रिमंडल में और लोगों को शामिल करें और जाति फैक्टर को भी साध सकें। जानकारी ये भी मिल रही है हम आपसे चर्चा आगे बढ़ाएं मैं कुछ नामों की चर्चा करता हूं जो एवी स्टार न्यूज को मिले हैं उसमें बेबी रानी मौर्य केतकी सिंह असीम अरुण नितिन अग्रवाल
श्रवण कुमार, निषाद, अंजुला माहौर, अदिति सिंह, त्रिभुवन राम, अनुराग सिंह और स्वतंत्र देव सिंह, ये नाम पक्के तौर पर बताया जा रहा है कि ये शामिल किए जा रहे हैं। अब इनका पद या मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद कौन सा विभाग मिलता है ये देखना होगा। लेकिन अनूप, इतना तो तय है कि अगर ये स्थिति बनती है जितने नामों की हमने चर्चा की है, उसके बाद चूंकि मैंने केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं मिला, हमने वो नाम दिए हैं जो नाम बिल्कुल पुख्ता तौर पर हमें सूत्रों के द्वारा आपके माध्यम से जानकारी मिली है। एक बड़ा नाम है और अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो बिल्कुल नहीं है। अदित सिंह न सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल की जाएंगी बल्कि उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। मैं उन नामों की चर्चा कर रहा हूं जिन पर चर्चा नहीं हुई है। क्या ये जानकारी पुख्ता तौर पर अब बिल्कुल छन करके निकल रही कि अदित की भूमिका भी बड़ी हो सकती है? आप अदिति सिंह की बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, जी जी अदिति सिंह की बात कर रहा हूँ। चूंकि वो रावेली से आती है तो जाहिर सी बात है 2024 को देखते हुए अदिति सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस मंत्रिमंडल में उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये मंत्रिमंडल बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर ही बनने जा रहा है, जैसे केंद्र में है। इस मंत्रिमंडल में बाकायदा महिलाओं को भी एक, जिसे कहा जाए कि एक अच्छा स्थान दिया जाएगा, और महिला मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा होगी, पिछली बार से ज्यादा होगी। तो रायबरेली और अमेठी ये बीजेपी के, जिसे कहा जाए 2024 बीजेपी के निशाने पर रहना, ये सब जानते हैं। तो अदिति सिंह काफी चर्चा में भी रही चुनाव में, और उनको स्थान बिल्कुल दिया जाएगा। ये देखना होगा कि स्वतंत्र राज्य प्रभाग दर्जा मिलता या कैबिनेट दर्जा मिलता, वो बात की बात है, लेकिन मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलेगा ये पक्का हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अनूप, हमें जो जानकारी मिल रही है और उसके आधार पर जो एक तर्क और विश्लेषण कहता है वो ये है, जैसा कि आपने चर्चा की, कि रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी, यहाँ पर अदिति सिंह जिस परिवार से संबद्ध रही हैं, जिस जाति से बिलोंग करती हैं और संगठन से जुड़ करके, हालांकि वो कांग्रेस में शामिल रही हैं, कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के तौर पर अदिति जानी जाती रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 में भी उसी भूमिका में आएंगी, और प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं का एक नारा देकर के उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक चेहरा बनने की कोशिश की, हालांकि उनको सफलता नहीं मिल पाई। इस दौर में अदिति सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करके, एक बड़ी भूमिका दे करके, युवा एक महिला को आगे करके भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाने करना चाह रही है, और वो ये है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जहां तक इन तीन क्षेत्रों से संबद्ध है, अदिति सिंह गली गली में जानी जाती हैं, समझी जाती हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी की राजनीति को स्थानीय स्तर पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम और आप उस क्षेत्र को बहुत नजदीक से जानते हैं। अदिति एकमात्र ऐसी नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का त्रुप का इक्का साबित हो सकती है। वो शामिल इसलिए की जा रही हैं क्योंकि चेक एंड बैलेंस करने के लिए अदिति सिंह 2024 तक एक बड़ी भूमिका निभाएंगी, और अपेक्षाकृत युवा हैं, और वो अनुभव के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों से आगे बढ़ेंगी तो सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, यहां कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी। इसलिए जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि अदिति सिंह का कद बड़ा होगा, जिस पर अभी तक लोग बोलने में भी थोड़ा संकोच कर रहे हैं। उनको कैबिनेट दर्जा तो दिया ही जा सकता है, साथ ही साथ, हालांकि ये पुख्ता जानकारी, हो सकता है वो स्वतंत्र प्रभार दिया जाए, उनको राज्य मंत्री बनाया जाए, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उनका कद अनएक्सपेक्टेड रूप से वैसे ही बढ़ाया जा सकता है जैसा अपर्णा यादव के संदर्भ में कहा या सुना जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल दिवाकर जी, देखिए अदिति सिंह कांग्रेस से आई है, और जाहिर सी बात है 2024 को देखते हुए सारी रूपरेखा बन रही है। 2024 में प्रियंका गांधी वाड्रा फिर यहाँ पे आएंगी, और साथ में चूंकि रायबरेली सोनिया गांधी का क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है वो भी सामने रहेंगी, तो उनसे मुकाबला करने के लिए, उनके सामने एक चेहरा रखने के लिए अदिति सिंह को सामने रखा जाएगा। तो कोई दो रानी जैसे स्मृति ईरानी अमेठी में रहेंगी उसी तरह से, लेकिन महिला को
यहाँ पे ज्यादा तरजीह दी जाएगी। और मंत्रिमंडल ने जैसे कहा कि इस बार महिलाओं का जो गिनती है, महिला मंत्री गिनती है वो भी अधिक रहेगी। लेकिन अदिति सिंह हो गई, अपर्णा बिष्ट यादव हो गई, ये दोनों चेहरे जो है 2024 और ज्यादा बड़े हो जाएंगे 2024 आते आते, ये भी तय बात है। और उनको उचित स्थान भी दिया जाएगा इसमें। तो इन दोनों चेहरों को जैसे कहा जाए कि यूपी में एक बड़ा नाम अभी भी बन गया है फिलहाल, लेकिन मंत्रिमंडल स्थान मिलने के जाने के बाद में और बड़ा चेहरा बन जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी वादा क्योंकि उन्हीं की सदस्य रही, उन्हीं के साथ काम किया अदिति सिंह ने, तो जैसी बात है कि सामने अदिति सिंह को रखा जाएगा प्रियंका गांधी वादा को, तो एक नई राजनीति जिसे कहा जाए पहले से, जैसे वरुण गांधी को वहां रखा जाता था लेकिन सामने रखा जाता था, और अब यहाँ पर एक ही अभी कुछ और भी कांग्रेस के बाहर निकलने की स्थिति बन रही, कुछ और विधायक बाहर आ रहे हैं, माफी देगा जो कुछ और नेता बाहर आने वाले हैं, जल्दी खबर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में जो जितने निकल के आ रहे हैं, अगर उन्हीं के सामने उन्हीं के जिसे कहा जाए कि सिपाही रख दिए जाए तो मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। और ये 2024 में देखने को मिलेगा जी कि प्रियंका गांधी के सामने अदिति सिंह होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, उसकी तैयारी शुरू होगी, रूपरेखा बननी भी शुरू हो गई है। तो 2024 दिलचस्प होगा प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने, उन्हीं के सिखाए हुए, उन्हीं के साथ काम किए हुए अदिति सिंह सामने होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, मुकाबला दिलचस्प होगा जी। अनूप, अपर्णा यादव के बारे में सस्पेंस ही सस्पेंस है, कभी कुछ बातें की जा रही हैं, कभी कुछ, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं, अगर किया जाएगा, कहा तो ये भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम के रेस में वो भी शामिल है, कितने डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि ऐसी जानकारी जो हमारे और आपके माध्यम से, जो सूत्रों के माध्यम से ये हो रही है और एडिटोरियली हम लोग वो तय कर पा रहे हैं विश्लेषण के आधार पर, ढेर सारे लोगों के नाम डिप्टी सीएम के तौर पर हैं और दो से अधिक डिप्टी सीएम नहीं रखेंगे योगी आदित्यनाथ, या भाजपा ऐसा नहीं करना चाहेगी, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल कहा, अभी तो आपको खबरें हैं, इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे इतना तय है। अपर्णा बिष्ट यादव को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा इतना बिल्कुल साफ साफ तय है। अपर्णा बिष्ट यादव को हो सकता है कि महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दें, इसकी संभावना ज्यादा लग रही है। तो अभी राज्यसभा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, अभी उसमें भी हो सकता है कि तरजीह दी जाए, उनको जगह दी जाए, क्योंकि एनएलसी में तो उनको जगह दी नहीं गई है, तो आगे हो सकता है उसमें जगह दी जाए। अभी अपर्णा बिष्ट यादव के बिल्कुल आपने सही कहा, सस्पेंस बिल्कुल बरकरार रखा है, खुल के कोई बात अभी सामने चल कर नहीं आ रही है, खबर निकल के नहीं आ पा रही है। लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव को बिल्कुल एक जैसे कहा जाए सम्मान दिया जाएगा, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस जीत में भी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो उनको बिल्कुल तरजीह दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में जिसे आप कहा डिप्टी सीएम की संख्या, डिप्टी सीएम की संख्या देखिए कहीं पे तो अभी देखिए ब्रजेश पाठक का नाम लगभग तय है। एक खबर ये भी आ रही है कि स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है कि हो सकता है उनका नाम भी सामने आ जाए। देखिए समीकरण बैठाने बड़े जरूरी, इस बार पिछली जाति से एक सामने डिप्टी सीएम रखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अभी दिनेश शर्मा को बात चल रही है कि यहाँ से संगठन में दोबारा उनको भेजा जाए, ये बात छन कर आ रही है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बनाने की रेस में भी आगे। बिल्कुल सही, एक नई जानकारी आप दे रहे हैं और इस पे थोड़ा हम जोर दे करके चर्चा करें। चर्चा यह है कि दिनेश शर्मा को न सिर्फ प्रदेश संगठन में बल्कि उनको केंद्र में बड़ी भूमिका दी जा सकती है, जहां तक संगठन का सवाल है। खबर तो यह भी है अनु, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे को इस तरह से आगे करना, वो डिप्टी सीएम रहे हैं, शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही ईमानदार उनकी छवि रही है, और साथ ही साथ वो संघ के भी विश्वास पात्र माने जाते हैं। ऐसे में खबर तो यह है कि दिनेश शर्मा की भूमिका न सिर्फ प्रदेश में बल्कि केंद्र स्तर पर होने जा रही है, जहां तक संगठन का सवाल है। ऐसे में जब ये बात आती है कि केशव प्रसाद मौर्य का बनाया जाना तय है और ये जरूरत भी है, अगर स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम हो रहे हैं, कैबिनेट में बड़ी भूमिका में आ रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि स्वतंत्र देव सिंह अगर एक प्रमुख चेहरा है बैकवर्ड के, तो केशव प्रसाद मौर्य भी अनिवार्य है? देखिए अभी दिनेश शर्मा केंद्र में तो नहीं जाएंगे, ये तय बात है। अभी उनका एनएलसी कार्यकाल लगभग तीन साढ़े तीन साल का बाकी है, अभी वहाँ भेजना जैसे जल्दबाजी होगी वहाँ जाएंगे। अभी प्रदेश की राजनीति भी देखिए, अभी अनुभव उनको और भी प्राप्त करना है, अभी इतना भी संगठन के बड़े मंत्री इसमें कोई दो राय नहीं, तो उनको 2024 के लिए संगठन में भेजने की बात आ रही है, संगठन को और मजबूत किया जाए, कोई जाहिर सी बात। अनूप ये मत भूलिए कि गुजरात का चुनाव भी आने वाला है और दिनेश शर्मा की भूमिका, हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है कि दिनेश शर्मा की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ाई जाने वाली है। एवी स्टार न्यूज पर एक्सक्लूसिव जानकारी जो मैं अपने माध्यम से आपको दे रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल,
मैं वही पे आ रहा था, बिल्कुल सही कहा, मैं उसी पे आ रहा था कि गुजरात चुनाव के साथ में आ चुका है, तो हो सकता है गुजरात चुनाव, क्योंकि पहले भी वो बिल्कुल अच्छी से जिम्मेदारी निर्वहन कर चुके प्रभारी रूप में, तो उनकी भूमिका संगठन में अलग से बनाई जाने वाली है, बड़ी भूमिका बनने वाली, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संगठन के बड़े नाम रहे, संगठन के कुशल जैसे कार्य पदाधिकारी रहे हैं, तो बिल्कुल दिनेश शर्मा को या तो यहाँ यूपी की राजनीति में रखना होगा या संगठन में रखेंगे, नहीं तो गुजरात जब चुनाव चुकी आ गया सामने ही है बिल्कुल, तो गुजरात में उनकी बड़ी भूमिका तय होती फिर से एक बार दिखाई दे सकती है, इसमें कोई दो राज्य में इसी बात पर चर्चा करना चाह रहा था कि हाँ उनको संगठन में एक बड़ा पद मिलने वाला है और संगठन की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाने वाली है, इसमें कोई दो राज्य जी। जहाँ तक ब्रजेश पाठक का है, आप उनके राजनीतिक करियर को बहुत नजदीक से समझते हैं, ब्रजेश पाठक की भूमिका एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में महत्वपूर्ण होने जा रही है, ये आप पूरी तरह माफ करिएगा आश्वस्त हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूं, जहां तक आप एक ब्यूरो चीफ के माध्यम से इस उस नजरिए से इस खबर को अगर देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक की भूमिका बड़ी होने जा रही है। ब्रजेश पाठक देखिए, यहाँ अगर कहा जाए तो यूपी में जैसे कि लोग बोलते हैं जितिन प्रसाद, नहीं, जितिन प्रसाद से बहुत बड़ा चेहरा है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक ने आपने देखा कि जब चुनाव से पहले जो ब्राह्मण को मनाने वाली समिति बनी थी उसने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी, तो उसमें से अब ब्रजेश पाठक बाकायदा जिसे कहा जाए एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनकी भूमिका चुनाव से पहले ही बड़ी कर दी गई थी, उनका कद चुनाव से पहले ही बढ़ा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, तो बेशक उनका नाम डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे नाम उन्हीं का चल रहा है, वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और बिल्कुल इस लायक भी है, काफी उनका बड़ा व्यक्तित्व है और कद्दावर नेता माने जाते हैं, आए तो थे बसपा से, लेकिन उसके बाद आने के बाद से जो पिछला चुनाव लड़ा उसके बाद से उनकी भूमिका बड़ी होगी। मैं लखनऊ की अगर बात करूं तो लखनऊ में डिप्टी ब्रजेश पाठक ऐसे नेता रहे कि उनको किसी भी क्षेत्र का, हालांकि उन्होंने इस बार मध्य क्षेत्र से कैंट क्षेत्र से मध्य क्षेत्र को छोड़कर कैंट क्षेत्र चुना था, मध्य क्षेत्र का जो प्रत्याशी खड़ा वो चुनाव हार गया, लेकिन उनकी एक विशेषता ये रही किसी भी क्षेत्र का कहीं भी कोई भी आदमी चला जाता है उनके पास में तो उसका जरूर उसके समस्या सुनते हैं, उसका निदान करते हुए इनकी ऐसी छवि रही है। तो ब्रजेश पाठक का चेहरा बड़ा है, व्यक्तित्व बड़ा है, कद बड़ा है, उनको डिप्टी सीएम लगभग बनना, चूंकि मैं साथ में देखता रहता हूँ तो खबरें ऐसी हैं कि लगभग उनका तो डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है, अगर डिप्टी सीएम की रेस में उनका नाम मैं कहूँ तो सबसे आगे उन्हीं का नाम चल रहा है, उनका डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है, ब्राह्मण चेहरा सामने रखना है, ब्राह्मण चेहरों की जैसे कहा गया नाराजगी की बात चलती रही है, 2024 सामने भी है और अभी भी कहा जाता है कि 89% ब्राह्मणों का वोट इनको मिला है, बीजेपी को मिला है, तो पूरा इनको ये देखना है कि बीजेपी ब्राह्मण नाराज ना हो, इसके लिए ब्राह्मण चेहरा बना के चलना है, क्योंकि जैसे दिनेश शर्मा का चेहरा रखा गया था तो दिनेश शर्मा अगर उस मंत्रिमंडल हटते हैं, लगभग तय है इस बार की बात कि इस मंत्रिमंडल में दिनेश शर्मा का होना मुश्किल है, तो अगर दिनेश शर्मा हट रहे हैं तो ब्रजेश पाठक सबसे बड़ा चेहरा होंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे, ये लगभग तय है। अनूप जी, एमएलसी का भी चुनाव हो रहा है, 10 मंत्री हारे हैं, हालांकि पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि जो हारे हुए मंत्रियों को एमएलसी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के अलावा और कुछ मंत्रियों की है जो हारे हुए हैं और किसी न किसी तरीके से उनको जाति फैक्टर या उनके काम करने के तौर तरीके या योगी आदित्यनाथ के वो विश्वास पात्र हैं उनको मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। एक नाम का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, हालांकि वो भाजपा से पुराने रूप से जुड़े हुए हैं और अगर वो एमएलसी बनते हैं तो मंत्री वो भी बनाए जाएंगे, वो हैं शिवाकांत ओझा जो प्रतापगढ़ से आते हैं। तो शिवाकांत ओझा की भी चर्चा है, हालांकि वो एमएलसी चुनाव के बाद होगा, लेकिन अब वो 25 को शपथ लेंगे या नहीं ये आने वाला समय बताएगा। अब हम चर्चा इस पर करते हैं कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रशासनिक दक्षता को भी महत्व दिया जा रहा है, असीम अरुण उसमें सबसे आगे हैं, क्या किसी और नाम की भी चर्चा है? जी, जैसे इस चुनाव में दो चेहरे सबसे आगे थे प्रशासनिक, जो आप बात कर रहे हैं और दोनों ही आईटीएस चेहरे थे, वो एक तो असीम अरुण जिनकी आपने बात कर रहे हैं और दूसरे राजेश्वर सिंह जो लखनऊ से ही सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र जीत किया है, तो दोनों को ही तरजीह देने की बात हो रही है, दोनों ही मंत्रिमंडल में आने के लिए बेताब है बिल्कुल, और उम्मीद ये भी है कि दोनों को ही यहाँ पर तरजीह दी जाएगा, दोनों को मौका मिलेगा मंत्रिमंडल के अंदर, असीम अरुण और राजेश्वर सिंह दोनों को यहाँ पे जगह मिलना लगभग यहाँ पर तय है। क्या आपने अभी चर्चा की जितिन प्रसाद के बारे में? जितिन प्रसाद पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है या नाम लगभग तय किया जा चुका है? क्योंकि हम लोग भी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसको छनती हुई खबरों के साथ उसको जानकारी लेने के बाद हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो एवी स्टार न्यूज की अपनी चर्चा है और हम एवी स्टार न्यूज के माध्यम से उन नामों पर चर्चा कर रहे हैं।
जितिन प्रसाद के बारे में फिलहाल क्या कुछ तय किया जा रहा है? जितिन प्रसाद का तो चुनाव से पहले बड़ा हल्ला था कि ब्राह्मण बड़ा चेहरा है, सारी बातें उनके लिए की गई, उनको बिल्कुल गाजे बाजे के साथ बैंड बाजा बाहर के साथ उनको लाया गया था, और हालांकि सीटें निकल भी गई उनके यहाँ की क्षेत्र की, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती। तो अब हालांकि उनका भी कद बड़ा ही रखा गया है और बड़ा है भी उनका भी कद यहाँ पर, क्योंकि बैंड बाजे के साथ उनको लाया गया था, जैसा मंत्रिमंडल में उनकी उपस्थिति भी देखी जा सकती है और उनको भी जगह दी जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे को मैंने पहले कहा कि ब्राह्मण के गिने चुने ही चेहरे अब बचे हैं, ज्यादा चेहरे हैं नहीं ब्राह्मण के इसमें, मंत्रिमंडल में बाहर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व, अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो ज्यादा चेहरे इसमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इस चेहरे में इस बार दलितों पिछड़ों को और जिस तरह ओबीसी वर्ग को ज्यादा आगे रखा जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में है, तो गिने चुने ब्राह्मण चेहरे ही इसमें दिखाई देंगे, जिसमें जितिन प्रसाद है, ब्रजेश पाठक है, ये मुख्य रूप से आगे जिसे कहा नेतृत्व करते आपको दिखाई देंगे। एक नाम पर जिस पर कोई चर्चा नहीं रहा है, जानकारी यह मिल रही है कि इस बार एकमात्र जो आप कह सकते हैं कि मुस्लिम चेहरा होंगे वो योगी के विश्वास पात्र भी हैं और उनका कद बढ़ाया जा सकता है, यह जानकारी मिल रही है। आप समझ रहे होंगे मैं मोहसिन रजा की बात कर रहा हूं। मोहसिन रजा विश्वास पात्र केंद्र के भी है और राज्य के भी हैं, और काफी इनकी तरफ से बैटिंग राज्य में जब कोई बात आती है अल्पसंख्यक की उसमें बड़ी बैटिंग करते नजर आते हैं, लेकिन अब फिर देखा जा रहा है कि हाँ इनको शायद मंत्रालय अल्पसंख्यक का शायद ना मिले, चर्चा में बड़ा है, मंत्रिमंडल खड़ा तो मिलेगी इतना तो तय है, लेकिन शायद मंत्रालय इनका बदल दिया जाए, ये चर्चा बड़ी जोरों की चल रही है इस बार। मंत्रिमंडल की मुस्लिम बड़ा चेहरा है, यहाँ पे लखनऊ में रहते हैं और काफी पुराने भी हैं मुस्लिम, जैसे कहा जाए मुस्लिम वर्ग में अच्छी साइट भी है, तो मोहसिन रजा का खैर क्योंकि उनका चुनाव तो था नहीं होता नजदीक सीट से यही है ही वहाँ यहाँ पर, तो इसमें कोई दो राय नहीं, अभी उनका कार्यकाल भी बाकी है और यहाँ पर भी रहेंगे ये, और इनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना लगभग लगभग तय ही कहा जाएगा। हाँ मंत्रालय पे इस बार बड़ी चर्चा होगी कि शायद ये मंत्रालय अल्पसंख्यक वाला इनके उनके पास शायद इस बार ना रहे शायद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, चूंकि एवी स्टार न्यूज पर आप को जो जानकारी मिली, हमें जो जानकारी मिली और जो तमाम जानकारियां आ रही हैं, हम सबको कलेक्टिव तरीके से एक एक नामों पर चर्चा करके हमने ये बताने की कोशिश की है कि कौन से वो नाम है जो अंततः सीएम के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे और अहर्निश अर्थात दिन और रात काम करके प्रदेश को विकास के नए रास्ते पर, नए राह पर लेकर के जाएंगे। क्या होगा ये सब कुछ 25 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इतना तय मानिए कि उत्तर प्रदेश का जो भी मंत्रिमंडल होगा वो न तो जंबो होगा न तो छोटा होगा, बीच का एक रास्ता अख्तियार करके सीएम योगी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में नई सरकार चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलते चलते हम आपको एक बार फिर बड़ी खबर दे दें कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम होने जा रहे हैं, इस बात का ऐलान कर दिया राजनाथ सिंह ने, बाकायदा इस नाम का ऐलान किया है और अब सारा सस्पेंस खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षाकृत एक युवा नेतृत्व के ही साथ उत्तराखंड में अपनी पार्टी और सरकार को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।